हेलो एवरीवन, हमारी टेस्टिंग मेथड्स फॉर सेफ्टी जो कि यूनिट टू का टॉपिक है, उसका सेकंड पार्ट है फॉल्ट ट्री एनालिसिस। ये हमारी सेकंड मोस्ट कॉमन फॉल्ट मॉडलिंग टेक्निक है। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे फिर दोबारा रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आपको मेरा कॉन्टेंट अच्छा लगे तो मेरे हार्डवर्क को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड मेरी वीडियोज़ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करिए। ओके, सो सेकंड टेक्निक है हमारे पास FTA, दैट इज फॉल्ट ट्री एनालिसिस। इससे पहले हमने लास्ट वीडियो में देखा था FMEA। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो देख लीजिए, देन इस पे आइए। फॉल्ट ट्री एनालिसिस जो है वो हमारी टॉप डाउन अप्रोच है एंड इट इज़ अ डिडक्टिव एनालिटिकल मेथड। डिडक्टिव का क्या मतलब है कि जनरल टू स्पेसिफिक आएंगे हम। जो FMEA था इट वॉज इंडक्टिव एनालिटिकल मेथड, बट FTA इज़ डिडक्टिव एनालिटिकल मेथड। FTA के अंदर हमारे दो एलिमेंट्स होते हैं, इवेंट्स एंड लॉजिक गेट्स। इवेंट्स मैं अभी नीचे एक डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूंगी एंड लॉजिक गेट्स तो आपको पता ही है, जैसे हमने पहले पढ़े हैं एंड और जिनकी ट्रुथ टेबल्स होती थी वो सब। ठीक है, लॉजिक गेट्स जो है वो इवेंट्स को कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं और FTA क्या काम करते हैं, इट आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ टॉप अनडिजायर्ड इवेंट। जो भी टॉप में अनडिजायर्ड इवेंट हुआ है उसका कॉज आइडेंटिफाई करना FTA का काम है और उसको हमें लेस प्रोबेबल बनाना होता है। यही हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। FTA का इंटेंट क्या है, इज टू आइडेंटिफाई वेज टू मेक टॉप इवेंट्स लेस प्रोबेबल, ठीक है, एंड वेरीफाई दैट सेफ्टी गोल्स हैव बीन अचीव्ड। सी, अब हम FTA को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ये एक्चुअल एग्जाम्पल नहीं है, ये सिर्फ बेसिक ट्री स्ट्रक्चर है हमारा FTA का। इसमें क्या है, ऊपर एक टॉप अनडिजायर्ड इवेंट होता है, देन इंटरमीडिएट इवेंट्स होते हैं जो बीच में आते हैं और लास्ट में हमारे बेसिक इवेंट्स होते हैं। बेसिक इवेंट्स वो होते हैं जिनको और फर्दर हम क्लासिफाई नहीं कर सकते या इनके और कॉजेज हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, यहीं पर हमें स्टॉप करना होता है एंड यहाँ पर इवेंट्स को कनेक्ट करते हैं लॉजिक गेट्स। तो दिस इज़ द बेसिक टी स्ट्रक्चर ऑफ फॉल्ट ट्री एनालिसिस। अब इसके नेक्स्ट हम एक्चुअल एक एग्जाम्पल देखते हैं, उससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। अब हम FTA को एक एक्चुअल एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। इस पर हमारा टॉप अनडिजायर्ड इवेंट है ओवर हीटिंग ऑफ मोटर। अब इसको हमें लेस प्रोबेबल बनाना है, तो इसको लेस प्रोबेबल बनाने के लिए हमें इसका कॉज फाइंड आउट करना पड़ेगा। जब हम इसका कॉज फाइंड आउट कर लेंगे तो हम कुछ सेफ्टी मेजर्स लेंगे तो उसके बाद हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ओवरहीटिंग ऑफ मोटर किस किस वजह से हो सकता है, या तो हमने मोटर को ओवर यूज़ करा है या फिर पीछे से एक्सेसिव करंट आया है। ओवर यूज़ हुआ है मोटर वो किस वजह से होगा, देयर आर टू रीजंस, मोटर रनिंग फॉर टू लॉन्ग, बहुत ज़्यादा देर से हम मोटर को यूज़ कर रहे हैं, या फिर बहुत फ्रीक्वेंटली हम मोटर को यूज़ कर रहे हैं। ओके, और यहाँ पे हमारा और गेट लगा है ओवरहीटिंग ऑफ मोटर में, तो इन दोनों में से कोई एक कॉज होगा, दोनों नहीं होंगे। फर्स्ट वाला हमने समझ लिया, सेकंड है एक्सेसिव करंट। अब एक्सेसिव करंट किस वजह से हो सकता है, या तो हमारा फ्यूज शॉर्ट हुआ है या फिर देयर इज़ अ एरर इन कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन क्या होता है, कैलिब्रेशन इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें हम मेजर करते हैं कि कितना यूनिट्स हमारा पास हो रहा है करंट। सो दिस वॉज एग्जाम्पल ऑफ FTA। आई होप आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पे हमें स्टॉप करना होगा क्योंकि यहाँ पे बेसिक इवेंट है हमारे पास, इसको हम फर्दर क्लासिफाई नहीं कर सकते। हमारा जो FTA है वो आजकल बहुत वाइडली यूज़ हो रहा है, किस किस में, एरोस्पेस में, ऑटोमोबाइल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, या फिर न्यूक्लियर इंडस्ट्रीज में, हर जगह ये FTA यूज़ होता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द टेस्टिंग मेथड्स फॉर सेफ्टी। हमने दोनों मेथड्स कवर कर लिए हैं, नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड मेरी वीडियोज़ भी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।